आज खुश तो बहुत होंगे तुम। जो इंसान हर रोज तुम्हारे मंदिर का सीढ़ी चढ़ता है, आज वो फिर से तुम्हारे दरवाजे पे माथा टेकने आ गया है। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्या कुछ नहीं मांगा? आज सुबह तूने घड़ी मांगा, कल सुबह तूने बाइक मांगा, दोपहर को BMW मांगा, कल रात को तूने अपनी पत्नी की मौत मांगा, और परसों तो तूने हद ही कर दिया। तूने अपनी पड़ोसन तक नहीं छोड़ा, उसको भी मांग लिया। अरे हाँ यार, मांगा है मांगा है मांगा है मांगा है। तुमसे नहीं मांगू तो और किससे मांगू बताओ? अब जब इतने सारे चीजें मांग ही लिया तो एक और भी मुराद पूरी कर दो मेरा, प्लीज भगवान प्लीज। ए सुन, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी मुराद पूरी कर दो ना प्लीज प्लीज। अरे सुन तो, क्या तू मेरा भक्त है ना, सच्चा भक्त, मेरी एक बात मानेगा क्या? प्रभु आप बस हुक्म कीजिए, तू चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब के मर जा। हट तेरी। नहीं प्रभु प्रभु प्रभु। अरे यार पापा, क्या है? पापा मुझे कार चाहिए। क्यों बे, तेरे को कार कहे चाहिए? पापा मुझे ना दूर का चीज दिखाई नहीं देता है, अब कार होगी तो कार लेके दूर जाऊंगा और खिड़की में से दूर का चीजें देख पाऊंगा। यार बालों पे हाथ ना लगाओ, स्टाइल ही खराब कर दिया। स्टाइल? जा जगह पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई करके क्या होगा? अरे अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छा मार्क्स आएगा तो क्या होगा? अरे बेटा मार्क्स अच्छा आएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर घर होगा, कार होगी, और उसके बाद क्या होगा? अरे बेटा उसके बाद तो सिर्फ आराम ही आराम करेगा, तेरी तो मौज ही मौज होगा। हाँ तो अभी क्या कर रहा हूँ? मौज ही तो कर रहा हूँ ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अच्छा पापा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि मेरे दोनों हाथों में से कौन सा हाथ बड़ा है? तेरे तो दोनों हाथ एक बराबर है, सेम टू सेम, तो फिर मैं बड़े हाथों की ABCD कैसे लिखूंगा? हे भगवान, तूने मुझे ये कैसा बच्चा दिया है? उठा ले बाबा, उठा ले। क्या पापा हर वक्त ऊपर वाले को ही क्यों दोष देते हो? ये सब छोड़िए, आप मेरा एक काम कर दीजिए। क्यों बे, मैं तेरा काम क्यों करूं? देखिए पापा, अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। शकल देखो जैसे सुतली बम, पर बात परमाणु बम जैसी, तेरे पास पैसे कहाँ से आएगा बे? अरे पापा फल खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? अच्छा सच में देगा? अरे हाँ पापा हाँ। हाँ तो बोल बेटा, मैं तेरे लिए क्या करूँ? आप मुझे 2,00,000 रुपया दीजिए, मैं आपको 1,00,000 रुपया दे दूंगा। बहुत चालाक समझता है अपने आप को, मुझसे चालाकी करता है? चालाक लोगों को चालाकी करने की जरूरत नहीं पड़ती है पापा। तो तू चालाक है और नहीं तो क्या? अच्छा तू ये बता, 2,00,000 रुपया क्यों चाहिए तुझे? पापा एक बात बतानी है, गुस्सा तो नहीं करोगे? क्या है बोल? पापा मैंने शादी कर लिया। क्या तूने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? क्यों, आपने शादी करने से पहले मुझे थोड़ी बताया था, तो मैं क्यों आपको बताऊं? पैसे देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं तो चला। हे भगवान, आज तक मैं ये समझता था कि इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा शातिर हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा भी बाप निकला। उसकी मन्नत तो तुमने पूरी कर दिया, अब जरा मेरी भी मन्नत पूरी कर दो ना प्लीज भगवान, कर दो ना, पड़ोसन को पटा के दो ना प्लीज प्लीज, दो ना दो ना दो ना। तो तुझे पड़ोसन को पटाना है? हाँ हाँ पटाना है पटाना है, जरा पीछे तो देख बेटा। तुमने कुछ सुना? सुना भी और समझा भी। क्या बताए भैया, चावल दाल सब्जी सारे चीजों का दाम इतना बढ़ गया, पता नहीं इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे। यार यहाँ इतनी सीरियस बात चल रहा है और तुम बैठे बैठे टहलते जा रहे हो, टहलते जा रहे हो, क्या हो गया? अरे टहल नहीं रहा तो भैया ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे मोबाइल रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रही। ए, चल मोबाइल दो अंकल को। अरे पबजी है कि नहीं देख रहे थे? हे भगवान, मतलब हर वक्त बाबाजी 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 नहीं पबजी। हट, चल दे मोबाइल अंकल को। सोच सोच के सर दर्द कर रहा, पता नहीं क्या होगा, लड़की की शादी है सामने। सामने कहा, चौकी के पास? अरे नहीं सामने मतलब कुछ दिन बाद, अगले महीने। कुछ दिन बाद या अगले महीने? बेटा तुम बड़े बापा बन रहे हो? हाँ बनना तो पड़ेगा ना। अच्छा शादी चाहे आज हो, कुछ दिन बाद हो, या अगले महीने हो, या अगले
क्या देना है यार? हमको क्या? अरे बहुत काम है, खाना खाना है, चटनी खानी है, दही खाना है और तू और दूल्हे का धोती भी तो चुराना है। अरे बेटा धोती नहीं चुराते। तो क्या कच्चा चुराते है? अरे बेवकूफ क्या, बिल्कुल चप्पल चुराते है, चप्पल। अरे किसको क्या कह रहे हो? याद है छुटकी की शादी में ये महाशय दूल्हे का धोती खर्च दिया सबके सामने और कहने लगा आईफोन खरीद के दिया ऊपर ना धोती नहीं देंगे। नाक कटा दिया सबके सामने। नाक कट गया तो सांस कैसे लेते हो? अरे जान दो भैया, बच्चा है अभी। अरे बच्चा मत समझना इसे। अभी जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, कब ये कुर्सी खिंचका देगा पता भी नहीं चलेगा। अरे ऐसे कैसे खिंचगा? अंकल चोट तो नहीं लगी? गिरा के कह रही हो चोट तो नहीं लगी तुम्हारी तो? छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। बम चिकी चिकी बम, बम 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 चिकी चिकी बम। अरे छोड़ो इसको, बैठो तुम बैठो। ये बच्चा है कि जानवर है? जानवर। काटो बोले, काटो काटो। अरे जान दे भाई को, ये सोचो कि जो 150 बाराती आएंगे दूल्हे के घर से उनको खिलाएंगे क्या? भिंडी 110 रुपया किलो, मटन 2000, इतना खर्चा और ऊपर से उनको रात में सोने का दे। मैं कुछ बोलूं? चुप्पा बैठो तुम। अरे कहीं तो दे। बैठो चुपचाप। अरे कहीं तो लेंदे बच्चे को, क्या कह रहा? हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो बताओ। तो सुनो, हम जो कह रहे हैं ना वो अगर कर लियो तो ना लोगों की खाने की टेंशन और ना ही सोने की टेंशन, समझे? अच्छा कहो बेटा क्या बात है कहो। जितने भी लोग आ रहे हैं ना उनको दो दो बाटली और चखने के लिए थोड़ा थोड़ा चटर मटर दे दो, फिर देखो सब पी के कहाँ पड़े रहेंगे पता भी नहीं चलेगा। बोलो कैसे रही? सामान निकाल बेवकूफ कहेगा। पापा। क्या पापा है? क्या पापा? घर से भागने से पहले एक बार भी याद नहीं आई पापा की? आया था पापा, आया था। हाँ आया था, मतलब एक को लड़की ने दो शब्द क्या बक दे निकल लिया घर से, कहा है? दो शब्द नहीं पापा, तीन शब्द कही। ऐसा कौन सा शब्द कह दीस यार जो घर छोड़ के निकल लिया? आई लव यू कहीस। हाँ तो आई लव यू कहीस तो निकल लोगे? अबे छोड़ भी दियो, लड़का तो हमरा ही है ना, माफ कर दियो। माफ? ऐसे लड़के को माफ नहीं साफ कर दे चाहिए। कौको बिना कुछ कहे निकल लिया महाराज की टहलते टहलते जा रहे और कौनो लड़की पसंद आ गई तो उका लेके निकल लिए। हाँ तो निकलने से पहले कह देते तो निकल लेते थे क्या? बात करते तो ये नहीं कह सकते थे कि तुमको शादी करनी है? अपनी मुँह से अपनी शादी की बात कैसे करे, शर्म नहीं आता काम का? हमको नहीं सही, पर अम्मा तो कह सकते थे। अम्मा पता है? वाह नहीं नहीं वाह, मतलब सबको पता है मगर हमको नहीं। वाह अब छोड़ भी दियो, जो होने का हो गई, ये बच्चा है अभी। ये बच्चा? ये महाशय खुद का बच्चा बनाने के चक्कर में लगा है और तुम कह रहे हो कि ये बच्चा है, है? अरे गुप्ता जी, सुना है आपका लड़का एक को लड़की को लेके निकल लिए? हाँ आओ मिल लो, यही बैठे हैं महाराज। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आप लंदन से कब लौटे? अरे बेटा अभी अभी तो आए हैं, आते ही सुना कि तुम एक लौंडिया को पकड़ के निकाल लिए। हाँ बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। काहे हमका काहे शर्म है, शर्म है तुमका? गुप्ता जी ये बात सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर भी सुनिए, आपका लड़का एक नंबर का लंपट है। अगर हमारा लड़का ऐसा करता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, हम नसे काट लेते, फांसी पे चढ़ जाते। लेकिन अंकल आपकी तो बेटी है। बेटा बात यहाँ बेटा या बेटी की ना हो रही, बात हो रही संस्कारों की। क्यों गुप्ता जी?
अब क्या बताएं भाई साहब, हमारी लड़की इतनी संस्कारी है कि क्या बताएं। अरे आपका संस्कार जाए तेल लेने। देखिए भाई साहब, देखिए कितना बदतमीज है आपका लड़का, कितना बदतमीज। पक्का आपका ही है ना? देखा, तुम्हारी वजह से बाहर के लोग आके बेइज्जती कर रहा हमरा। पापा अंकल बाहर के थोड़ी है, अंकल तो अब अपने हो गए। कब अपने हो गए? भाई साहब हम सच कह रहे हैं, अगर हमारे लड़के ऐसी करती ना तो डूब मरते हम, फांसी पे लटक जाते, नशे काट लेते अपना। अंकल अब घर गए थे या सीधा पधार पर है यहाँ? बेटा तुम्हारी करतूत सुन के घर कैसे जाते, एयरपोर्ट से उतरते ही सीधा तुम्हें यहाँ आ गए। तभी इतना चिचिया रहे हैं। मतलब? अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अरे हमको कुछ नहीं समझना, हम जा ही रहे घर अपनी बेटी से मिलने। अरे अंकल घर जाने की क्या जरूरत, यही से मिल लो। मतलब? अजी सुनती हो डार्लिंग, ओ जानू तुम्हारी पापा आए हैं, आशीर्वाद तो ले लो। पापा है? नमस्ते बेटी। तुम या मतलब तुमने हमारी लड़की को फंसा लिया? अरे हाँ अंकल, अब अपने हो गए ना। हाँ अपने तो हो गए, अब आशीर्वाद तो ले लो। अरे नहीं वाणी, अरे धीरे धीरे वाणी वाणी। आज पांचवे दिन? नहीं पापा छठा। मतलब इस हफ्ते 6 दिन स्कूल नहीं गए तुम? नहीं पापा 7 दिन, 6 दिन हम ही नहीं गए और 7वें दिन तो संडे था। बहुत अच्छा किया। तो फिर लाओ। क्या लाओ? अरे आपने अभी बोला ना बहुत अच्छा काम किया, तो इनाम मिनाम लाओ। मिल जाए नाम, एको दिन स्कूल ना जाइयो। भैया चाहे स्कूल हो या मैदान, रोज जाना चाहिए। तुम मैदान जाते हो? अरे बिल्कुल, कोई शक? मर्म नहीं आता का, लोटा लेक मैदान बैठते हो? अरे नहीं लोटा लेक मैदान नहीं जाते, हम तो टहलने की बात कर रहे थे। और बेटा मैदान नहीं जाते हो का? नहीं हम पैखाने में जाते हैं। अरे नहीं कह रहे सुबह सुबह कसरत करने जाते हो कि नहीं? सोने से फुर्सत मिले तब ना, दिन में तो 30-30 घंटे तक सो रहते हैं महाराज। 30 घंटे? लेकिन भैया दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अरे बाकी के 6 घंटे इनके अब्बा देके जाते हैं ना। बाप पे चढ़ता, बाप पे चढ़ता मेरा बदतमीज। दादाजी है तुम्हारी? तो हमने कब बोला दादाजी है? बेटा तुम शक्ल से भोले वाले दिखते हो मगर हो नहीं। शक्ल से तो आप भी दिमागदार लगते हैं, पर आप दिमागदार थोड़ी हैं। अभी बहुत जवान चल रहा, स्कूल में जब सवाल पूछा जाता है तब तो एक को आवाज ना निकालते तुम्हारे मुँह से। हाँ तो जवाब आता ही नहीं तो दे कहाँ से। तुम एक को काम करो, कल से हमारे संग खेत चलो और धान काटो हमारे संग, स्कूल जाने कौनो जरूरत नहीं। अरे अभी स्कूल जाता का ये? अरे आपका लड़का भी तो स्कूल नहीं जाता और हमको चले ज्ञान देने। अरे हमारी बेटा रोज स्कूल जाता। अरे घुइया स्कूल जाता है, घर से निकलते ही सीधा गर्ल्स स्कूल के सामने जाके बैठ जाता है। अरे झूठ का है बोल रहे हो, हमारी बेटा अभी अभी स्कूल गया। स्कूल गया है? स्कूल गया, रुको अभी दिखाते। हेलो चिंटू। हाँ बता। कहाँ है रे तू? अरे स्कूल। अरे कौन सा स्कूल? अरे गर्ल्स स्कूल। ले देख ले। बेटा तुम पहले घर आओ, तू भैया करते तुम्हें। ये पिंटो तुम्हें धोखा दो, धोखा दो, तुम्हें मुझे धोखा दो। अरे गुप्ता जी, देख के बहुत खुशी हुआ कि आप जिंदा है। आपका लड़का 10 दिन की छुट्टी लेके आया ये बोल कर कि आप टाए बोल चुके। क्या जीते जी हमको मार दो। ₹2 के पीछे इतना क्या चल रहा तू यार? सिर्फ ₹2 तो है। सिर्फ 2 रुपया? जानता 2 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, दिमाग घिस जाता है काम करते करते। पापा क्या है? पापा चप्पल पहन लियो चप्पल। कहा? अरे कह रहे दिमाग में चप्पल पहन लियो, फिर दिमाग नहीं घिसेगा। चप्पल से धोएंगे तुमका, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना नहीं, दिन भर सब बगैते पहनते हो, अभी खींच कर दे। अरे बच्चे को कहा बैठते हो? अरे हाँ हम तो भूल ही गए, अम्मा तो यही बैठी है। बिल्कुल तुम पे ही गया है ये। लेकिन पापा लोग तो कुछ और ही कहते हैं। कहा कहते? कहते हैं कि जैसा बेवकूफ बाप
वैसा बेवकूफ बेटा। अरे पापा गुस्साओ ना, हमने भी कह जाओ उन लोगों को कि हमारे पापा के बारे में कुछ ना कहे ना। हमारे पापा हमारे जैसी बेवकूफ नहीं, हमसे भी बड़ा बेवकूफ है। पापा मम्मी के अंदर चुड़ैल आ गई क्या? बेटा तुम्हारी मम्मी के अंदर चुड़ैल नहीं आई, तुम्हारी मम्मी तो है चुड़ैल। मम्मी देख ले तुमको कहाँ गई रहा, कबो तो चुप्पे बदले करो। एक को मौका मिल जाए पिटवाने का तो बाप को पिटवा ही दो। हाँ तो पीटने वाले काम कहे करते हो? हम पीटने वाले काम करते हैं और का। एक बार पता चल गया ना कि कौन निकल रहा पैसा हमारे जेब से, फिर दिखाते हैं पीटना किसे कहते हैं। हमारी तरफ ना देखो, हमने ना निकाला। ये क्या है महाराज? चटर मटर। ओई का पैसा कहाँ से आया? हैं? चटर मटर खरीदे पैसा कहाँ से आया? अरे पापा सब भगवान की लीला है, पैसा हाथ का महिला है। कौ का लीला है सब समझते हम। तो हम क्या करें? ये मोबाइल कहाँ से आया? चोरी करके नीला है, खरीद के लाए। और मोबाइल खरीदे पैसा कहाँ से मिला? काहे तुम थाने में बैठे हो, तुमको रिपोर्ट लिखवाए। ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया? हद होती है यार दिमाग चाटने की। हम दिमाग चाटते हैं। अब ये भी हमें बताएं। एक को बार पकड़ लेना कौन निकाल रहा पैसा हमारे जेब से, फिर कैसे तुड़ैया होती है दिखाते हम। अरे कह रहे हैं ना हमने ना निकाला, सब भगवान की लीला है, पैसा हाथ का महिला है। ए चिंटू, कह रहे अंकल के जेब से पैसा निकाले कि नहीं? फिल्म नहीं जाना का? सब भगवान की लीला। आओ लीला दिखाते तुमको, आओ। का तोड़ैया तुम्हारे तो मिस। हमारी बात तो सुन ले। चुप। हमारे यार एक को बात तो बोल ले जाओ। चुप। एक को बात नहीं सुनी में हम, एक को बात नहीं सुनी में। और एक को बोल अगर घर से निकले तो मार डाल हम तुमका, टांग के तोड़ दूंगी तुम्हारी। अरे काहे ना जाइबे बाहर, बात करती है। काहे ना जाइबे, 10 साल हो गए हमें शादी पर हमाओ का तो एक को बार रंग लग गई हो। और मिसेस शर्मा को दिन में 10-10 बार रंग लगाई नहीं जाते हो। जब जब हम तुमको रंग लगाते हैं तब तब कहो कभी सर्दी हो जात, कभी डेंगू हो जात, कभी मलेरिया हो जात। बीमारी का साम्राज्य लेके घूमते रहती हो चिमर की कह के। हम चिमर के हैं, हम चिमर के हैं। और नहीं तो का। अच्छा तो फिर मिसेस शर्मा का है, है? उको तो रंग लगाते वक्त में मन एकदम गदगद हो जात। हमारी मोहब्बत, हमारी मतलब सभ्य लेडी है भाई, सभ्य लेडी। गुल्ला का सभ्य लेडी है, चुड़ैल का होई का। चुड़ैल मत का होई का। तो का कहे महाराज? मम्मी पापा की मोहब्बत कहो, मोहब्बत। बेटा कबो अपनी पापा की भी साइड ले लिया कराओ, हमेशा बैंड बजवाते हो हमारी। बच्चे को ऊपर कहा चले तो हमसे बात करो, हमसे। तुम बात थोड़ी करते हो, तुम तो चिल्लाते हो। हाँ तो चिल्लाई भी ना तो और का करे में। अब यार होली के तो शांति से जी लेंगे, सुबह से चालू हो गया पचर 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 पचर। हाँ, अब तो हमारी बात पचर पचर ही लगेगा। उस चुड़ैल की बात कैसे लगती है तुमको? मम्मी कोयल की बोली लगती है, कोयल की बोली। कुऊ कुऊ कुऊ। बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। का बच्चे को मार दो, बच्चे को मार दो, बच्चे को मार दो। होली चल रही का? नहीं कबाली चल रही। कवाली चल रहा पर ढोलक वोलक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंकल यहाँ ढोलक से नहीं, मुक्के और लाटन से कवाली होते। अरे भाभी जी कहाँ कह रहा बच्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने को कोई जरूरत नहीं, ये बताइए कहाँ के लिए आए हैं? वो एक काम था गुप्ता जी से। क्या काम था? वो क्या काम था? वो मिसेस शर्मा बुला रही गुप्ता जी को एकांत में।
रंग लगाए खातिर। अरे नहीं 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 नहीं। अरे भाभी जी क्या आ गया? पापा मोबाइल चला ले। मोबाइल मोबाइल पे क्या काम है तुमको? गेम खेलेंगे। बेटा मोबाइल पे गेम क्या होता है? मोबाइल से तो कॉल करते हैं ना, जाओ जगह पढ़ाई करो। अरे झूठ का है बोल रहे हो, एक है ना सांप वाला, वही खेल लेंगे। देव बस जाओ जगह पढ़ाई कर। यार जब भी मुंह खोलते हो एक ही बात बोलते हो, कुछ और भी बोल लिया करो कब कब। देखो एक तो पहले से दिमाग खराब है और ना खराब करो, नहीं तो बहुत कूटेंगे। मम्मी ए मम्मी। अरे क्या हो गया, काहे गला फाड़ रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुमसे पूछा हमने, चुपचाप बैठे रहो। क्या हुआ था बेटा? मम्मी जब हम आए थे ना यहाँ, तब देखे कि पापा मोबाइल पे एक लड़की की फोटो देख के बहुत खुश हो रहे थे। अरे चुप रहो तुम। मम्मी लगता है पापा का बाहर चक्कर चल रहा। क्या सुन रहे हम? अरे मोबाइल ले दे इसलिए झूठ बोल रहा तुम्हारा लड़का। हमको कटा समझते हो, कौन झूठ बोल रहा नहीं जानते का हम। अरे महारानी सच बोल रहा हूँ, एक नंबर का झूठा है तुम्हारा लड़का। हाँ हम झूठे हैं, हमें लड़का झूठा है और तुम तो हो भैया बड़े सत्यवादी। अरे बेवकूफ हो गया यार बिल्कुल, कोई कुछ भी बोल देता तुम आके हमारी छाती पे बैठ जाती हो। तुम रुक जाओ, मुख धोएंगे तुम्हारी छाती पे आज हम। मामला गरम है का? अंदर आए। आओ मरवा के अंदर। क्या हो गया शर्मा जी, अब होना क्या है? बैठा है ना सारे फसाद का जर। काहे बेटा का कर दियो? तुमसे मतलब? अरे हम पड़ोसी है भाई। हाँ तो पड़ोसी हो तो हमारे घर में काहे मरने आते हो? बेटा तुम तो बेइज्जती कर रहे हो हमरा। शुक्र मैं ना सिर्फ बेइज्जती कर रहे, मारपीट पे उतर आए ना तो खाल किस देंगे तुम्हें। बहुत जवान चल रहा तेरी। अब तुम कहाँ चली? मरने। लगता है मायके जा रही है भाभी जी। मम्मी क्या हो गया? कह रहे मायके ना जाओ, कहे कि पापा का कोई चक्कर नहीं चल रहा, झूठ बोल रहे थे हम। देख ले तुम्हारी तो। अम्मा यार पता नहीं कौन बेल बजा बजा के खोपड़ी खराब कर रहा सुबह सुबह। आपका दोस्त आया होगा मरने, और कौन। हाँ तो बेटा जाके गेट तो खोल दो। क्या है? बेटा पापा है। पापा का है? मिलने आए थे उनसे। अंदर आए। आओ मरवा के अंदर। अरे शर्मा जी भाभी जी नहीं दिख रही है आज, चाय वाय नहीं बुझेंगी का? अंकल जहर मंगवाए जहर? मुफत कर कहीं का चले आते मुंह उठा उठा के, शर्म नहीं आता? अरे बिल्कुल नहीं, अपनों के घर में आने पे शर्म कैसा है शर्मा जी। अरे कौन अपना? अरे बेटा तुम और कौन। काहे तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो क्या? बड़े आए अपने बनने वाले। ए सुनो ले भाभी जी आ गई। भाभी जी नमस्ते। ये सुनो फ्रिज में से आइसक्रीम खा गया। मम्मी पापा ने खाया, पापा ने। क्या सुन रहे हम? अरे को आइसक्रीम खा ले तो क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ, रात को जब मम्मी घर में घुसने नहीं देंगी ना तब समझियो क्या हुआ। अरे भाभी जी हमने कहा नमस्ते, आज चाय वाय नहीं पूछेंगी का? सिर्फ चाय, हम सोच रहे थे आपके लिए बिरयानी मंगवाएं। बिरयानी? फिर तो मजा आ जाएगा भाभी जी। बस चुपचाप, काम काज तो कुछ है नहीं, चले आते मुंह उठा के अपने और दूसरों का टाइम बर्बाद करने। कौन हम? नहीं हम। अंकल मजा आ रहा? नहीं। हाँ तो बैठे काहे हो, निकल लो। अरे शर्म है, कुछ होगा तो निकलेंगे ना, ये तो बेशरम है। कैसे बैठा है मुंह उठा के? वो चाय मिल जाता तो। अरे जा रहे भाई, अभी हार्ट अटैक आ जाता तो। चुड़ैल हो क्या बिल्कुल? क्या बोले? अरे कुछ नहीं बोले, चुड़ैल बोल रही थी तुमका। ए, 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 ए। बहुत मजा आ रहा तुमको, अब दिखाते तुम्हें।
माँ साहब नमस्ते। काहे के नमस्ते है? काहे के नमस्ते? काहे सर, हमारे बेटे से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, आपके बेटे से कोई गलती तो हो ही नहीं सकता। गलती तो हमारी है जो हमने ही को अपने स्कूल में दाखिला दिया। अरे ऐसे क्या बोल रहे सर जी? बोलना पड़ रहा है हमको, आपका लड़का इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है। कितना बदतमीज है? मजाक लग रहा है आपको है? मजाक लग रहा है आपको? हम यहाँ पाठशाला छोड़ के आपको समझाने आ गए और मजाक लग रहा है आपको? तुम मरने कहीं चले आए यहाँ? मंदी मारी गई थी, पगला गए थे हम जो यहाँ चले आए। तुमको तो बेटा सीधा स्कूल से निकाल देना चाहिए था। अरे नहीं सर जी। क्या नहीं? कसम से बोल रहे, जब भी हम इसके चेहरे को देखते हैं गुस्से से खून खोल उठता है हमारी। तो सर जी खून ठंडा कर देगा? भाई साहब इसको मेरे सामने से हटाइए, नहीं तो पीठ पाट देंगे बताई दे रहे हैं। अरे पीठ को तो दिखाओ। देख लीजिए अपने बेटे को अपने आँखों से। अरे तुम चुप रहो यार, बात कर रहे हैं ना हम। अरे पापा इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये पगलेट है पगलेट। हम पागल हैं? और का? हम पागल हैं? अरे थोड़ा थोड़ा लग तो रहे आप पागल। वाह नहीं नहीं वाह, मतलब हम पागल हैं। अरे सर जी मजाक कर रहे थे हम। मजाक अपनी साली से कीजिएगा, समझे? हमारे साथ नहीं। अरे मासा वही तो दुख है, हमारी साली तो है नहीं, एक साला है और वो भी बड़े बदतमीज। का बोले? आ गई मरने। हम मरने आते? हम मरने आते? भाभी जी नमस्ते। भैया का नमस्ते। और तुम खबरदार हमारे भाई के बारे में कुछ बोले तो लात मार के घर से बाहर निकल देंगे। अरे नहीं बोलेंगे यार, जाओ तुम अभी। अब हमको सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? जिस घर में माँ बाप ही ऐसे हैं, उस घर में ऐसे बच्चे पैदा होना तो स्वाभाविक है। अभी बोल रहे थे ना कि हम पागल हैं? हाँ हम हैं ये पागल जो आपको समझाने आ गए। हमको तो हेलो आगरा पागल खाना। कहीं भी हमारे घर में एक पागल घुस आया, जल्दी से आओ और आके ले जाओ। सर जी आपके ससुराल वाले आ रहे हैं आपको लेने, मस्त खातिरदारी करेंगे आपका। तुम्हारी खातिरदारी की? दिखाई नहीं दे रहा का? दिखाई तो दे रहा कि दोनों मरब का डब में लगे हो। जब दिखाई दे रहा कि यहाँ मरब का डब चल रहा तो पूछ कह रहे हो? पूछना पड़ता है हमको, बाप है हम बाप। घर में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, बाथरूम में लड़ाई, बाहर लड़ाई, हर जगह मारपीट करते रहते हो दोनों। भाई हो कि दुश्मन हो? दुश्मन। कोई परेशानी? ये खींच कर जर देंगे ना दोनों को, सारा दुश्मनी निकल जाइए क्या यहीं। अरे मार के तो दिखाओ। का बोला बे? हमने कहा हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। मार देंगे तो क्या कर लेगा बे? अरे पहले मारो फिर बताते हैं। ये मार दिया, अब बता क्या कर लेगा। अरे गुप्ता जी बहुत जोर से मार भी चल रहा, क्या हो गया? पदार परे पकाओ अंकल। अरे बेटा कुछ बोलेगा? नहीं हम तो गाना गा रहे थे। अरे बेटा तो हमको भी तेरा गाना सुना दो। काहे तुम इंडियन आइडल पे बैठे हो क्या जो तुमको गाना सुनाए? बड़े आए बेटा अंकल से थोड़ा कायदे में रह के बात कर ले, दोस्त है हमारी। अरे पापा तुम अपनी दोस्ती अपनी पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी दोस्त। अरे बेटा हमसे भी थोड़ा दोस्ती कर लियो, हमारी बॉडी पे कौन सा कीड़ा लगाए? अरे तुम्हें बॉडी पे कोई कीड़ा नहीं लगाए, तुम खुद ही एक कीड़ा हो। खुद तो बिगड़े हुए हो और हमारे पापा को भी बिगाड़ रहे हो। अरे भाई हमने कहा बिगाड़ लिया तुम्हारे पापा का? अब ये भी हम ही बताए? अरे बेटा बहुत पंचायत कर लियो, चलो अपनी तशरीफ की टोकरी उठाओ और निकल लियो। अरे गुप्ता जी बहुत देर से देख रहे तुम्हारी बदतमीजी। माना कि इनकी शक्ल गधे जैसे है, जाके मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग इनके पीछे लग जाओ। गधे जैसे शक्ल हमको तो नहीं लगता अंकल, थोड़ा दाई तरफ घूमिए। हाँ हाँ अब थोड़ा बाई तरफ घूमिए। हाँ हमको तो लगता है इनका शक्ल उल्लू से ज्यादा मिलता है। मजाक सुझ रहा तुमको बदतमीज? डैडी कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं आप, अगर हमको बुरा लगे ना तो बहुत पछताएंगे। अच्छा? हाँ। अरे गुप्ता जी आपके बच्चे तो बड़ा बदतमीज है, एक भी बात नहीं मानता आपकी। हमारी यार फिर से टपक पड़े बीच में, कबाऊ तो चुप पे रह लिया करो। अरे यार क्या तब से मारे जा रहे हो? अभी मम्मी को बुला के सब बता देंगे ना, तब समझियो। क्या बताएगा वे?
यही कि आप और आपका ये दोस्त रोज सुबह सुबह बेलकनी से छुपके छुपके सामने वाली बरमांडी को तारते हैं। अरे बेटा थोड़ा धीरे बोल लिया करो, तुम्हारी मम्मी आ गई तो मार डालेगी हमका। अरे पापा आ जाएगा नहीं, मम्मी तो आ गई। अरे भाग्यवान तुम कब आई? अभी बताती हूँ। पापा दर्द हो रहा है क्या? नहीं हम मौज ले रहे हैं। मौज ले रहे हो तो सोए गए, उठो। जोन चटा पड़ेगा भी रोने लगेगा बदतमीज। अरे किसको चाटा पड़ रही जोर से? तुम्हें अब्बा को। बेटा कुछ बोलेगा? हमने कहा काहे मरने चले आए यहाँ? मरने आए? बेटा मरने नहीं आए, तुम्हारे पापा से मिलने आए। काहे? अरे बेटा अंदर के बैठ तो ले लें जा कराओ, यही सारी बातें कर लगे क्या? अरे आइए गुप्ता जी आइए। और शर्मा जी किस वजह से हुई लड़ाई भाभी जी से? अरे नहीं हुई लड़ाई यार। अरे झूठ का है बोल रहे, बिना लड़ाई के कोई जहर थोड़ी पीता है। हमारा यार जहर नहीं पिया हमने, पता नहीं खाने में जहर कहाँ से आ गया। वैसे शर्मा जी एक बात बताइए, भाभी जी को मिसेस वर्मा के बारे में पता चल गई का? अरे गुप्ता जी आसपास देख के बात कर लेगी जी, लौंडा यही खड़ा है, सुन लेगा तो मम्मी को जाके बता देगा भी। अरे सुन लेगा नहीं, सुन लिया। पापा ये मिसेस वर्मा कौन है? हैं? कौन है ये मिसेस वर्मा? अरे कोई नहीं है बेटा, जाओ तुम अपना काम करो। पापा काम ही तो कर रहे। अरे बेटा क्या काम कर रहे हो, हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भैया चिल्ले, आओ तुम भी चिल्लो हमें संगी। लेकिन बेटा हमको तो चिल्लना ही नहीं आता। चलना आता है? हाँ बेटा वो तो आता है। तो उठो और यहाँ से चलते बनो, चलो। अरे अरे गुप्ता जी छोड़िए इसको, छोड़िए, बड़ा बदतमीज है ये। हमको तो ही नहीं समझ आ रहा है कि खाने में जहर कहाँ से आ गया। शर्मा जी बुरा ना माने तो एक बात बोले। जी बिल्कुल बोलिए। हमको लगता है कि आपके खाने में जहर भाभी जी ने मिला है। कहाँ बकवास हो रही? अरे भाभी जी आ गई। अभी अभी क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं, हम खाने में जहर मिलाते हैं। हम खाने में जहर मिलाते हैं? अरे नहीं हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। भाभी जी अंदर आए। नहीं बेटा हमने भाभी जी से पूछा है, भाभी जी बोलेंगी। भाभी जी आए ना के तो मनियो ना, आओ। आ रहे। भाभी जी सुना है आप दोनों में लड़ाई हो गई? कौन से रेडियो पे सुना? रेडियो पे नहीं, मोहल्ले में लोग बोल रहे थे कि आप दोनों में लड़ाई हो गई और शर्मा जी ने जहर पी लिया। हमारी यार कितनी बार बताया कि हमने जहर नहीं पिया। जहर नहीं तो क्या अमृत पिया आपने? जहर पीने में तो शर्म नहीं आई, अब बोलने में काहे शर्म आ रहा है? हमारी यार झूठ का बोलेंगे हम, सच में हमने नहीं पिया जहर, किसी ने हमारे खाने में जहर मिलाया है। पापा एक बात बोले। बोलो। वो कल मम्मी ने हमको चूहे मारने वाला दवाई छिड़कने को बोली थी चूहे मारने के लिए। तो हमने सोचा एक बार देख लेते काम करता है कि नहीं। हाँ तो? तो टेस्ट करने के लिए आपके खाने में हमने जहर मिला दिया। बोलो कैसे रही? हमारे खाने में जहर मिला था। डैडी कहाँ हो गया? कह रहे गलती हो गई। अरे नहीं गलती तो हमसे हो गई, तुमको पैदा जो कर दिया हमने। ये बात तो बिल्कुल सही कह दिया आपने, सारी गलती आपकी है। हमने थोड़ी बोला था कि हमको पैदा करो। बेटा तुमको पैदा ना करते ना तो ये धरती का मुंह ना देख पाते तुम। अरे धरती का मुंह कौन देखना चाहता है, हम तो सिर्फ पिंकी की मुंह देखना चाहते हैं। कहा बका तुमने अभी? अरे अब बकने कहा देते हो जो बकेंगे, थोड़ा कुछ बोले कि नहीं हमको पीट देते हो। बेटा जब तू बाप बनेगा ना तब समझेगा, एक को बार शादी तो कर ले। हमारी यार शादी नहीं करनी हमको। का है? आप क्या बताए पापा, हमको सारी लड़कियों से लग जाता है डर। बेटा एक को बार शादी कर ले, उसके बाद एक ही लड़की से डर लगेगा, अपनी पत्नी से। हे सही बताओ आप मम्मी से डरते हो का? डरते? शुक्र मनाओ कि अब तक जिंदा है, दिन में 2 लीटर खून पी जाती है हमारी। काहे मम्मी ड्रैकुला है का जो खून पी जाती है? बेटा तुम्हारी मम्मी जो है कहाँ पंचा चल रही? आगे ही खून पीने। का बोले? कुछ नहीं। हमको बहरे समझते हो? कौन का बोला सब सुनते हैं हम खून पीते हैं, हम खून पीते हैं।
अरे भैया कौन कौन का खून पी रहा? हमारी मम्मी पापा का खून पी रही। इतनी तेज घंटा मारेंगे ना, यही गिर कर रोने लगेगा। बदतमीज। अरे बेटा मुंह ना लटकाओ, ये तो घर घर की कहानी है। यहाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा खून पी रही, वहाँ तुम्हारी आंटी जी हमारी खून पी रही। भाभी जी आए का अंदर? काहे? ऐसे ही शर्मा जी से थोड़ा हालचाल पूछने आए थे। आए? आओ मरू आके। शर्मा जी भाभी जी बहुत गुस्से में चली गई, लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? अरे हमारे घर में तो लड़ाई हर रोज होती है, आपके घर में नहीं होता क्या? अरे नहीं बेटा, हमारे घर में लड़ाई वड़ाई नहीं होती, हमारे घर में तो युद्ध होता है, युद्ध। अच्छा फिर युद्ध में जीतता कौन है? अरे वो चुड़ैल और कौन? ये अंकल चुड़ैल कौन? ए? चुड़ैल कौन? तुम्हारी आंटी जी बेटा, और कौन? क्या बोले? ले आंटी जी भी आ गई। अब तुम कहाँ चली आई यहाँ? अभी तक आते कहाँ आए? अरे मार डालोगे क्या? ये तो करता है कि तुमको मारे डाले। हमने बोला था तुमको कि बाहर जगह धनिया लेके आओ, हमको चटनी बनानी है, और तुम ही आके पंचायत कर रहे हो। अरे पापा आंटी जी तो बड़े डेंजरस है। बेटा तुम्हारी मम्मी इनसे भी ज्यादा डेंजरस है, बिल्कुल चुड़ैल है चुड़ैल। बेटा जिंदगी में हमसे बस एक ही गलती हो गई, तुम्हारी मम्मी से शादी करके। कब मरे और कब पीछे छूटे हमारी? पापा मम्मी आ गई। अरे हम तो बस ऐसे ही। अरे पीछे छूटे थे तुम्हें यार। पापा क्या हो गया? हमको पैसा चाहिए। का है? पटाखा खरीदना है। हटो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, हटो। अरे गुप्ता जी दिवाली आ रहा, थोड़ा पैसा दे दीजिए बच्चे को। अरे शर्मा जी आप जानते नहीं इसको, पिछली बार भी पैसे दिए थे हम, 25 पैकेट छीको ला के तेरा दम दगा डाला। हार्ट अटैक आते थे बच्चे हम, छीको दगाने से हार्ट अटैक आ गया तुमको? छीको जब आपके पीछे बंदा हो ना तो हार्ट अटैक ही आता है। राम 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 राम, बच्चे बहुत बदतमीज हो ही जा रहे हैं आजकल। ये बदतमीज होंगे तुम, थोड़ा कायदे में बात कर लिया करो बेटा, बड़े हैं तुमसे। फोकट का ज्ञान ना पेलो, पैसा लाओ पैसा। नहीं मिलेगा पैसा, हटो। अरे बेटा मुंह ना लटकाओ, हम देते पैसा, रुको। तो देव? हाँ, ये ले। ये क्या है बेटा? 2 रुपया है, एक सीखो खरीद लेना। हमको भिखारी समझते हो? 2 रुपया दे रहा, बड़े आए। अरे बेटा तो कितना पैसा लोगे? पूरे 4। 4 रुपया? तो पहले बता देते हम दे देते। 4 रुपया नहीं, 4 लाख रुपया। कितना कितना? 4 लाख। बेटा हमारे पास 4 लाख होता तो हम हांगकांग जाके ना बस जाते। तुम 4 लाख में हांगकांग जाके बसी हो? अरे बिल्कुल, काहे? जानते हो हांगकांग जाने में कितना खर्चा लगता है? कितना? 20। 20 हजार? 20 हजार नहीं, 20 करोड़। अरे बेवकूफ समझते हो? हाँ यार बेवकूफ बात में समझ लेना। अभी 4 लाख किसी के पास हो तो देव, हमको जाना भी है। कहाँ जाना है? पटाखा खरीदने। तुम 4 लाख का पटाखा खरीदो? हाँ। पूरे शहर को उड़ाओगे का बच्चा? जानते हो 4 लाख में कितना 0 आता है? 2 जीरो आता है। अरे गधा हो क्या बिल्कुल? 2 जीरो नहीं, 4 जीरो आता है। इधर देखो। हाँ बताओ, स्कूल नहीं गए का? बचपन में गए थे एक बार, काहे? 4 लाख में 4 जीरो आता है कि 5 जीरो आता है? अरे बचपन में पढ़ा था, भूल गए? अरे पैसे तो कभी नहीं। नहीं देंगे, जो करना कर लियो। जा रहे मम्मी को बुलाने। अरे जाओ जाओ, जैसे तुम ऐसे तुम्हारी मम्मी, जब से आई है जिंदगी में जिंदगी को नरक बना के रख दिया है। हर वक्त कतर पचर कतर पचर, मरती भी नहीं छोड़ती भी नहीं, तंग आ गए इस जिंदगी से हम। गुप्ता जी क्या हो गया? भाभी जी आ गई। क्या हो गया, ऐसे क्या घूर रहे हो? आओ दिखाई क्या हुआ। आओ। पापा हमको हेलो हेलो चाहिए। पापा हमको हेलो हेलो चाहिए। अबे बहरा हो गया क्या बे? पापा हमको हेलो हेलो चाहिए। क्या इंद्र से हेलो हेलो लग रखा है?
कोई हेलो वाला नहीं मिलेगा, भागे साहब। तो आप नहीं देंगे? देख दिमाग खराब मत कर, सीधी तरह रास्ता नाप ले अपना, बहुत बिजी हूँ अभी। हेलो पापा, बिजी है अभी, फोन रखिए। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी इसे नहीं कहते साहब जो मैंने किया, बदतमीजी उसे कहते हैं जो आपने किया। जॉन खींच का चाटा पड़ेगा ना, अभी पता चल जाएगी बदतमीजी कौन सा है। फोन क्यों काट दिया तूने? आप बिजी थे ना इसलिए काट दिया। तेरी, ध्यान से सुनिए, एक पिता ने अपने ही संतान को डंडे से मारने गए और बेटे ने फ्रिज उठा के पिता के सर पे दे मारा और ऑन द स्पॉट पिताजी टे बोल गए। तेरी, ध्यान से सुनिए, एक पिता ने अपने ही संतान को टेबल लैंप से पीटने गए और बेटे ने उनके सर पे तकिया दे मारा, ऑन द स्पॉट पिताजी टे बोल गए। अबे मरता काहे नहीं बे? तेरी, ध्यान से सुनिए, इस पिता ने सब मार नहीं रहा हूँ बे, पेपर नहीं पढ़ सकता क्या? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पढ़ने दे, मरता भी नहीं। देख बेटा तू अभी बड़ा हो गया है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता है। अरे मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे शादी करवा दीजिए ना। अबे इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू। तो शादी के लिए कितना बड़ा होना चाहिए? बेटा शादी के लिए दाढ़ी मुझे आना चाहिए। लेकिन पापा सपना दीदी की दाढ़ी मुझे कुछ भी नहीं आई, फिर भी शादी हो गई। बक बक ऐसे बक। अरे क्या हो गया? अभी दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए, एक पिता ने अपने ही संतान को झापर मारने गए और बेटे ने टीवी उठा के पिता के सर पे दे मारा, ऑन द स्पॉट पिताजी टे बोल गए। अबे मरता का नहीं बे? पापा मुझे हेलो हेलो दीजिए ना। तब से तेरी हेलो 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 सुन के पक गया हूँ, बताइए हेलो हेलो क्या है? अरे पापा वही जिसे कान पे लगा के आप घंटों पर भाप नांडे के साथ गुल्लू गुल्लू करते हैं। तूने कब देखा बे? देख लिया पापा, देख लिया आप और भावना आंटी। अरे बस कर बेटा, तेरी माँ सुनेगी तो मेरी। ध्यान से सुनिए, एक आदमी का बाहर चक्कर चल रहा था, ये जान के उसकी ही अर्धांगिनी ने उसके सर पे रॉड दे मारा और ऑन द स्पॉट पति जी टह बोल गए। अबे मरता का नहीं बे? क्या तब से मरता 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 लगा रखा है? मरेगा तो तू। मुझे कौन मारेगा बे? पीछे देख, तेरी अर्धांगिनी। तू तो गया। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। पिछले 10 मिनट से हम देखे जा रहे हैं क्या, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। मतलब खाते वक्त आपको ऐसा कौन सा चुटकुला याद आ गया यार जो हंसी नहीं रुक रही आपकी? अरे भाई साहब ये क्या बात हुई, मतलब हंसी और पाद पे किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है, वो तो बस निकल जाता है। क्यों बेटा? अरे छोड़ो, तुमको क्या पूछना? हाँ तो पूछ कहीं रहे हो, हमने थोड़ी बोला था पूछने को, बड़ी आई। अरे बेटा मेहमान से ऐसी थोड़ी बात करते हैं। हम तो ऐसे ही बात करते हैं भैया। अरे तुम तो बहुत बड़े वाले बदतमीज हो यार। बहुत बड़े, कोई शक? अरे भाई साहब जरा चावल मिलेगा? अरे कहीं नहीं मिलेगा, ये चावल दो इनको। काहे हाथ में मेहंदी लगा के बैठे क्या, खुद ही ले सकते? अरे ठीक है, खुद ही ले रहे भाभी जी, खुद ही ले रहे। अंकल। हाँ बताओ बेटा। आपने चावल के साथ चूहा मरने वाला दवाई खाई है कभी? नहीं, काहे? मिलाया है हमने, खाइए फिर सीधा पापा के घर टहल जाएंगे। अरे भाभी जी आपका बच्चा तो। क्या मेरा बच्चा? क्या मेरा बच्चा? अरे भाई साहब मजाक कर रहे पगली, आप खाइए भाई साहब, आप खाइए। अरे ठीक है भाई साहब। वैसे भाभी जी थोड़ा दाल मिलेगा? थोड़ी डाल दे इनको। दाल खत्म हो गया तो बना के लाओ, हम ना जाएंगे। अरे कहीं नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे मेहमान बैठे हैं, कुछ तो शर्म कर लियो। जाओ जाओ। बेटा लगता है तुम्हारी मम्मी गुस्से आ गई। अरे छोड़ो, तुमको क्या पूछना? तो हमने बोला था क्या पूछने को, बड़े आए दत्ता बनने। बेटा अगर तुम हमारे बच्चे होते ना तो मार मार के गुर्दा छील देते तुम्हारी। अच्छा तुम दत्ता हो कह के? हाथ लगा के तो दिखाओ, तुम्हारे नाक का बाल ना उखाड़ दे, तुम मेरे नबी छोटू नहीं। चुपचाप खाना खा के निकल लो, समझे? अरे भाई साहब कुछ बोलिए अपने बच्चे को। खाना खा चुपचाप। तुम्हारे बाप का घर है क्या? तो क्या तुम्हारे बाप का घर है?
भाभी जी आ गए। अरे आइए भाभी जी, आइए आइए। वैसे भाभी जी क्या खा के पैदा किया था आपने इसे? जिसे भी देखो एक ही बात पूछता रहता है, क्या खा के पैदा किया था, क्या खा के पैदा किया था? मतलब खाने के अलावा मुझे कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं भाभी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? क्या मतलब था? मम्मी, अंकल कह रहे थे कि आप खा खा के मोटी हो गई। अरे अरे नहीं भाभी जी, नहीं भाभी जी, आपका लड़का चल चिकन रख। चल चिकन रख। अरे भाभी जी खाने तो दीजिए। रख चिकन रख। चल निकल निकल चल निकल।